हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल भाई 5D में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जैसा कि आप जानते हैं कल आपका एग्ज़ाम होना है प्री का, उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके एग्ज़ाम के समय आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख सकता है कि UPSC 2018 प्री एग्ज़ाम कल, ध्यान रखें ये 10 जरूरी बातें। वो 10 जरूरी बातें आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए मित्रों, निश्चित तौर पर ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सुविधा प्रदान करेगा। अगर ये बातें आप अपना के यहाँ से गए, आपको वहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनेगी, ठीक है ना। तो लेकिन सर्वप्रथम मैं चाहूँगा हमारे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा तो बगल में लगे बेल आइकान के बटन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली जो महत्वपूर्ण सूचनाएँ हों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अदर कम्पिटेटिव लेवल का कोई भी एग्जाम हो, आप तक हम हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचा सकें, ठीक है मित्रों। तो बिना समय का नुकसान किए हुए सीधे हम पढ़ लेते हैं वो 10 जरूरी बातें क्या है, वो पूरा पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अब सीधे हम लोग अपने सूचना की तरफ, देख लेते हैं क्या क्या वो 10 बातें हैं, ठीक है मित्रों। देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा PCSP और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2018 ACF एवं RFO प्री कल आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी, जैसा कि आप लोग मित्रों जानते होंगे। पहली पाली की परीक्षा 9:30 से 11:30 और दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 से 4:30 के बीच में संपन्न होगी। इसके लिए आयोग को करीब 6.5 लाख आवेदन पत्र मिले हैं। पहले आयोग ने PCS और ACF एंड ARFO प्री परीक्षा के लिए 19 अगस्त की तिथि तय की थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं वो पोस्टपोन की गई। तो अब मैं वो 10 जरूरी बातें बताने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको सुविधापूर्ण हो एग्जाम देने में। तो ये देख सकते हैं आप, घर से परीक्षा के लिए निकलने से पहले उम्मीदवार को रखे दस ध्यान रखे 10 बातें। पहली बात जो आपके लिए है, अपने साथ प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लाना ना भूले। जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र में फोटो मुद्रित नहीं है, उन्हें अपनी 2 फोटो और ID प्रूफ, ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर के परीक्षा केंद्र पर जाना होगा। ID प्रूफ के तौर पर आप ड्राइविंग लाइसेंस, DL, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड आदि ला सकते हैं। अब हम लोग दूसरी सूचना पढ़ते हैं, दूसरी कौन सी बात है वो। अब दूसरी बात आपके समक्ष में है कि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी। जैसा कि आप जानते होंगे कि निगेटिव मार्किंग अब होगी, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी 0.33 आपका माइनस मार्किंग है, ठीक है ना। अगर कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। जैसा कि आप लोग मित्रों जानते हैं कि अगर आपने OMR में 2 खाने में टिक लगाया है या उसको भरा है तो आपके वो गलत माना जाएगा आंसर। चाहे उसमें सही लगाए हो आप, चाहे गलत लगाए हो, लेकिन आपका जो भी उत्तर देंगे 2 अगर दिए हैं तो गलत माना जाएगा। चौथी बात है आपके लिए, अभ्यर्थी अपने साथ काली इंक का बॉल पॉइंट पेन साथ लेकर आए। काले इंक के अलावा अन्य किसी इंक का इस्तेमाल ना करें। मित्रों इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, आप ब्लू कलर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ब्लैक पेन लेकर आए। जो भी 2-3 आपको लेकर आना होगा, केवल केवल ब्लैक का पेन का वहाँ पे यूज होगा। पांचवी बात आपके लिए है, अभ्यर्थी मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट आपने साथ लेकर ना आए। परीक्षा केंद्र में इसके साथ प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई चीज़ लाए जो निर्धारित स्थान पर जमा कर दें, अगर कोई सामान खो गया तो आयोग की जिम्मेदार नहीं होगा। अब देख लेते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि IAS PCS जो है प्री अब एक समान हो गया है सिलेबस के बारे में। IAS और UPPCS का सिलेबस हुआ एक जैसा, युवाओं को होगा फायदा। अब देख सकते हैं उसमें छठवीं बात क्या है, अंतिम आधे घंटे में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा हाल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। सातवीं बात आपके लिए है कि परीक्षा शुरू होने के समय के बाद 10 मिनट की देरी तक परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया
तो आप 10 मिनट एग्ज़ाम होने के स्टार्ट होने के तक पहुंच सकते हैं तो आपको एंट्री दिया जाएगा, अन्यथा आप परीक्षा नहीं दे सकते। आठवीं बात है आपके लिए मित्रों, अब OMR आंसर शीट 2 प्रतियों में, एक मूल प्रति और दूसरी अभ्यर्थी प्रति यानी कैंडिडेट कॉपी रहेगी। परीक्षा समाप्ति के बाद OMR शीट की मूल प्रति अंतरिक्षक को सौंप देंगे और अभ्यर्थी अपनी प्रति अपने साथ लेकर आएंगे, ठीक है ना। नौवीं बात आपके लिए है मित्रों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS तथा ACF एवं REFO प्री परीक्षा 2018 की जो उत्तर पुस्तिकाएं टेस्ट बुकलेट बचेंगी परीक्षा केंद्रों पर जलाकर नष्ट की जाएगी, जैसा कि पहले भी होता आया है। सभी केंद्र पर्यवेक्षक या काम आयोग के सहायक पर्यवेक्षक के सामने करेंगे। जलाने के बाद विनिष्टीकरण का प्रमाण पत्र भी देना होगा जिस पर केंद्र पर्यवेक्षक और आयोग के सहायक पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे। और दसवीं बात आपके लिए, प्रीलिम्स परीक्षा में आप ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। परीक्षा में 2 पेपर होंगे, दोनों दो दो घंटे के होंगे और 200 के अंकों के होंगे। जैसा कि जानते हैं कि प्री का आपका पेपर नंबर 2 केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है ना, ये कोई मेरिट बेस नहीं है, आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये थी 10 महत्वपूर्ण बातें मित्रों, ठीक है ना। साथ में मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ, जो आपका सॉरी जो आपके पेपर का बंडल होगा वो स्टैटिक मजिस्ट्रेट के जो है वही खुलवाएंगे, और स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो है नोडल अधिकारी द्वारा अर्थात DM या उसके द्वारा नामित अधिकारी के करेंगे इनकी नियुक्ति परीक्षा केंद्रों पे। जैसा कि देख सकते हैं स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे, इनकी तैनाती कौन करेगा, अफसर जो भी DM या उनके द्वारा नामित अधिकारी स्टैटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा के दौरान केंद्र पर मौजूद रहेंगे और प्रश्न पत्रों का अति गोपनीय पैकेट इन्हीं के सामने खोला जाएगा। यह है महत्वपूर्ण बातें जो थी वो आपको हमने बता दी है मित्रों। तो ठीक है मित्रों, ये जो महत्वपूर्ण बातें थी आपको हमने बता दी है, और आप आराम से जाइए, आपका एग्ज़ाम जिस भी टाइम से है आप उसके लगभग टाइम से आधा घंटा पहले ही पहुंच जाइए, रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही, ताकि आपको वहाँ किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, क्योंकि कुछ सेंटर जो है काफ़ी अंदर होते हैं तो उन्हें पहुंचने में आप लोगों को दिक्कत होती है। तो ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण बातें थी आपको पहुंचा दी है मैंने। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर इसे लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारे वो सभी कैंडिडेट जो कल PCS प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन्हें ये बातें पता होनी चाहिए, ताकि उनको कोई असुविधा ना हो मित्रों। ठीक है, ओके, धन्यवाद।